आरपीटीवी न्यूज की खबरें पाने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए। युवक कांग्रेस की मासिक बैठक का झंडा चौक नगरपालिका हॉल में संपन्न हुई। भाजपा पर लगाए आरोप। बड़वानी युवक कांग्रेस की मासिक बैठक में महासचिव सोमिल नाहटा, प्रदेश सचिव दीपक ठाकुर ने बैठक के दौरान बताया कि युवक कांग्रेस के गठन का विस्तार किए जाने को लेकर मासिक बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आगामी विरोध प्रदर्शन की रणनीति बनाई। नाहटा ने इंदौर विधायक संजय शुक्ला के बयान का समर्थन करते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर हमला बोला। युवक कांग्रेस प्रदेश सचिव दीपक ठाकुर ने बेरोजगार के खिलाफ यूथ कांग्रेस का पोस्टकार्ड अभियान शुरू किया जा रहा है। महासचिव सोमिल नाहटा ने इंदौर विधायक संजय शुक्ला के बयान का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा कोरोना गाइडलाइन के नाम पर त्योहारों नहीं मनाने दे रही है, जबकि भाजपा के बड़े नेता खुद गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं। सोमिल नाहटा हूँ, मैं महासचिव हूँ प्रदेश युवक कांग्रेस का और प्रभारी हूँ बड़वानी का। बड़वानी हमारी जो मासिक बैठक रहती है, जिसमें आज के मुद्दों में विस्तार का कार्यक्रम था, जो जैसा कि हमारे जिला प्रभारी ने बताया और सचिव ने बताया कि जो कमेटियां अधूरी रह गई, जहां चुन के लोग नहीं आ पाए, उसका विस्तार के लिए जो नए साथी जो जुड़ना चाहते हैं, और तमाम ऐसे साथी हैं जो जुड़ना चाहते हैं युवक कांग्रेस से, उनको जोड़ने के कार्यक्रम को लेकर। महंगाई बेहताशा बढ़ती जा रही है, लोगों में इतना आक्रोश है, तो उसकी आगे की रणनीति को बनाने को लेकर लगातार युवक कांग्रेस वो कार्यक्रम कर रही है, जो जनता के हित में मुद्दे जो भारतीय जनता पार्टी ने या शिवराज सिंह जी ने जो नीतियाँ चालू की हैं, उसके खिलाफ हम सब युवक कांग्रेस लामबंद हैं, उसके आगे के कार्यक्रम को लेकर हम यहाँ हैं। राजा जी, अभी संजय शुक्ला जी इंदौर विधायक ने कहा है कि वो होली मनाएंगे, प्रशासन जो कर सकता है, आप भी सहमत हैं? भाजपा पर आरोप लगाए कि हिंदू विरोधी है। देखिए, ये जो धर्म की राजनीति का खेल भारतीय जनता पार्टी करती है, जो धर्म के नाम पर वोट बटोरने का काम करती है, लगातार ऐसे प्रयास कि यही अगर कांग्रेस पार्टी अगर सरकार में होती और इस तरीके के कोई रोग और प्रति कोई रुकावट का कार्यक्रम करती, तो जिस तरीके से उसको कांग्रेस को धर्म विरोधी हिंदू विरोधी बताने का कार्यक्रम करती। मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग अब जनता समझ चुकी है। जहां तक विधायक जी ने जो कहा, मैंने उनका स्टेटमेंट नहीं देखा है, आपके माध्यम से जानकारी मिली है, तो जहां तक विधायक जी का ये मंशा रही होगी कि विधायक जी ने केवल एक प्रयास किया होगा कि जो दोहरा चरित्र है, जो मुखौटा पहनती है भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह चौहान और उनके नेता, उसको जनता के सामने उजागर करने का काम किया। हमने एक वीडियो में देखा कि वो किस तरीके से शिवराज सिंह जी मास्क उतार कर पूछ रहे हैं, यहाँ तो कोरोना नहीं आता ना, और लोगों से हाथ मिला रहे हैं वहाँ हज़ारों की संख्या में। तो इस तरीके का काम जो कर रही है भारतीय जनता पार्टी, आज जब चुनाव आते हैं तब कोरोना है, चुनाव नहीं आते तो कोरोना नहीं है, तो स्पष्ट करना पड़ेगा। और ये अगर स्थिति बिगड़ रही है तो किसके कारण बिगड़ रही है, उसमें सरकार की क्या खामियाँ हैं, क्या प्रशासनिक व्यवस्थाएँ हैं, वो ठीक हैं कि नहीं है, ये सवालों के जवाब आजकल जनता पूछ रही है, उसी को मुखर करते हुए विधायक जी ने ये सवाल किए होंगे।